तो गाइस स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे आज की दो बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले यहां पर ब्रॉन स्टोमन के बारे में, और ब्रॉन स्टोमन का यहां पर काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे थे बहुत टाइम से कि ब्रॉन स्टोमन यहां पर किस कंपनी के अंदर जाएंगे। WWE से यहां पर वो रिलीज हो गए थे, इतने बड़े सुपरस्टार थे, तो किस कंपनी के अंदर यहां पर ब्रॉन स्टोमन जाएंगे। काफ़ी सारे रूमर्स वगैरह आए थे कि वो इम्पैक्ट रेसलिंग के अंदर जाने वाले हैं, लेकिन आज यहां पर ROH का यानी कि रिंग ऑफ ऑनर का यहां पर फाइनल बैटल यहां पर पेपर व्यू आया था, और उसके अंदर हमें ब्रॉन स्टोमन देखने को मिल गए। अब यहाँ पर ये नहीं पता कि अभी वो ROH के अंदर आ चुके हैं, क्या उनकी स्पेशल अपीयरेंस थी, लेकिन EC3 यहाँ पर उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। उनका नेम यहाँ पर है टाइटन, तो टाइटन नेम से यहाँ पर ब्रॉन स्टोमन आ चुके हैं ROH के अंदर, और यहाँ पर एक टाइप से उन्होंने अपना एक स्टेबल बना लिया EC3 के साथ में। और वैसे भी हम जाते हैं WWE के अंदर भी यहाँ पर ये सारे सुपरस्टार थे, तो EC3, ब्रॉन स्टोमन, ड्रेक मैवरिक वगैरह ये सारे लोग साथ में ही रहते थे। तो यहाँ पर जो ब्रॉन स्टोमन है वो आ चुके हैं ROH के अंदर, और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ROH यानी कि जो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी है वो शायद यहाँ पर कुछ टाइम का ब्रेक ले रही है अप्रैल तक, और यहाँ पर जो इनका ये फाइनल बैटल पेपर व्यू था वो इनका लास्ट पेपर व्यू था, और इसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ को यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया ROH को। काफ़ी सारे AEW के सुपरस्टार्स हमें शो के अंदर देखने मिले, जहाँ पर उन्होंने अपनी जर्नी बताई, मैसेज दिया। यहाँ पर CM Punk, एडम कोल, यंग बक्स वगैरह, मतलब बहुत सारे सुपरस्टार थे, और सोशल मीडिया के ऊपर भी यहाँ पर जो WWE के सुपरस्टार हैं जैसे कि सेना बेजलर हो गई, काइल ओ'रायली हो गए, टोमासो चैम्पा हो गए, इन्होंने भी यहाँ पर ROH को यहाँ पर एक ट्रिब्यूट दिया। तो ROH वैसे हम जानते हैं यहाँ पर प्रो रेसलिंग का यहाँ पर कितना बड़ा पार्ट रहा है, यहाँ पर जितने भी सुपरस्टार्स यहाँ पर आ जाएं WWE के अंदर चाहे AEW के अंदर हो गए, पहले ये सारे सुपरस्टार्स यहाँ पर ROH के अंदर ही थे। और जितने हमने WWE के अंदर भी ड्रीम मैचेस देखे हैं, AEW के अंदर हम मैचेस देख रहे हैं, ये सारे मैचेस पहले ROH यहाँ पर करा चुकी है अपने प्रमोशन के अंदर। तो ROH का यहाँ पर काफ़ी बड़ा हाथ है, जितने आज बड़े सुपरस्टार हैं ROH की वजह से ही हैं। तो रिंग ऑफ ऑनर के यहाँ पर जितने भी फैंस हैं वो तो इस चीज़ से काफ़ी दुखी हैं कि यहाँ पर जो रिंग ऑफ ऑनर है वो ब्रेक ले रही है, फिर एक टाइप से वो कंपनी ख़त्म होने वाली है। वैसे भी हम जानते हैं, आपका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है ब्रॉन स्टोमन के बारे में नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट की अगर बात करें तो गाइस यहाँ पर WWE का Day 1 पेपर जो कि हम जानते हैं यहाँ पर 1 जनवरी को आने वाला है, जिसको WWE कितना यहाँ बड़ा बनाने वाली है। पहला उनका ये शो है, और पहले से हम जानते हैं WWE कितने सारे बड़े बड़े मैचेस यहाँ पर इस शो के लिए अनाउंस कर चुके हैं, तो उन्हीं सारे मैचेस के यहाँ पर बैटिंग ऑड्स निकल के आए, और बैटिंग ऑड्स आप जानते हो जो भी निकल के आते हैं हमको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि किस टाइप से इस मैच का रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सारे मैचेस के मैं आपको बैटिंग ऑड्स बताऊं, तो सबसे पहला मैच ऊसोस वर्सेस न्यू डे के बीच में होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के अंदर तो यहाँ पर ऊसोस फेवरेट है कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं। अगला मैच यहाँ पर है एज वर्सेस मिस के बीच में, जो कि काफ़ी बड़े लेवल का मैच यहाँ पर ये लग रहा है, और इस मैच के अंदर एज फेवरेट है कि वो यहाँ पर मिस को हराने वाले हैं। और जो WWE चैंपियनशिप का मैच होने वाला है सेथ रॉलिंग्स वर्सेस बिग ई वर्सेस केविन ओवंस के बीच में, इस मैच के अंदर पहले बिग ई फेवरेट हैं कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न कर लेंगे। दूसरे नंबर पे यहाँ पर सेथ रॉलिंग्स आते हैं, और सबसे लास्ट में यहाँ पर नेम है केविन ओवंस का। और जो शो का सबसे बड़ा मैच है शायद हमें मेन इवेंट के अंदर ही देखने को मिलेगा, रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच में यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच। इस मैच के अंदर यहाँ पर रोमन रिंग्स फेवरेट है कि यहाँ पर वो ब्रॉक लेसनर को हराने वाले हैं और अपनी चैंपियनशिप को यहाँ पर रिटर्न कर लेंगे। और मुझे भी यहाँ पर कुछ ऐसे लग रहा है कि अभी तो यहाँ पर रोमन रिंग्स अपना टाइटल हारेंगे नहीं, WWE का शायद एक और प्लान है कि रसलमीनिया के अंदर इनके बीच में एक और मैच कराएगी। तो ये कुछ यहाँ पर बैटिंग ऑड्स निकल के आए हैं WWE के Day 1 पेपर व्यू के। आपका क्या कहना है, आपकी क्या अर्ली प्रिडिक्शन है Day 1 को लेके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप और आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि इस टाइप से क्या रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, आप किस टाइप के रिजल्ट देखना चाहते हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी कुछ कमाल की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो वैसे तब तक के लिए ध्यान रखें अपना अपने परिवार का, तब तक के लिए मैं कहता हूँ गुड बाय।